कार मित्रों, न्यूज उत्तराखंड समाचार से मैं मुनीश शर्मा आपका अपना प्रिय। आज खड़े हैं हम सिविल लाइंस कोतवाली रोड की। यहाँ पर श्री एसएसपी महोदय द्वारा आज दो लूट की घटनाओं का खुलासा किया गया है। आइए जानकारी लेते हैं एसएसपी महोदय द्वारा कि किस प्रकार की ये घटनाएं और क्या खुलासा किया गया है। इसमें जो है 14/2/2021 को जो है वादी श्री विजय कुमार द्वारा तहरीर दिया गया है कि इनका एटीएम से जो है इनका फ्रॉड कर 1,00,000 रुपया निकल के चले गए। इसमें हमने टीम गठित करी, काफ़ी काम करे हमने। इसमें जो है आज हमें सफलता मिली। इसमें दो लोग हैं, एक अनुज है, एक अंकित है। ये अनुज जो है इसका रहने वाले हैं लिबोली गांव का, अंकित जो है सहारनपुर का रहने वाले हैं। दो लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे जो 1,00,000 रुपया जो नकद निकले गए इससे जो है हमने 90,000 रुपये बरामद कर दी। और इनका ऊपर पहले भी मुकदमा है और अब 1 महीने पहले ये जो है जेल से छूट के आए हैं। और राजस्थान में भी इनके बीच में जो इन्होंने घटना करी है जोधपुर में भी, उसका में भी एफआईआर कायम है। इसका सूचना भी जो है हमने जोधपुर पुलिस को दे दी है। ये जो लॉरियल कंपनी का जो ओईएम है उनसे जो है लगभग 4.5 लाख का सामान का चोरी हो गई। इसका तहरीर जो है इन्होंने हमें 27 तारीख को दिया था। तत्काल रूप से हमने कार्रवाई करके आज उसका 100% रिकवरी कर दी। 4.5 लाख का सामान उन्होंने बरामद कर दी। इसमें 5 लोग गिरफ्तार है, ये ठेकेदार के पास काम करते हैं, तो इनके ऊपर भी विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। सर, इनका कोई नहीं, इनका बारे में अभी हम जाँच कर रहे हैं। इसका अभी जाँच करके फिर उसका हम बताएँ।